हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूँ शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लाइंड केस की। जी हाँ, बिहार टीचर बहाली को जो है ब्लाइंड केस ने बिल्कुल जो है उलझा कर रख दिया हुआ है और इसी को लेकर के मैंने जो है कुछ दिन जो है रिसर्च की है, यानी कि गूगल पे जो है सर्च किया, सोशल मीडिया पे भी इसको खोजा कि ब्लाइंड केस जो है कितना हद तक जो है जायज़ है या कितना हद तक जो है गलत किया गया है, या क्या उनके द्वारा जो मांग की जा रही है वो कितनी सही है या पहले से सरकार द्वारा वो मांग पूरी की जा चुकी है। तो इसी के संदर्भ में वीडियो लेकर के आए हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको जो है दिखाने जा रहे हैं नेशनल जो ब्लाइंड फेडरेशन है उसकी जो वेबसाइट है उसको हम दिखाएंगे और इसके साथ ही बात करेंगे कि बिहार में जो है नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की जो है कोई संस्था या ब्रांच है कि नहीं है और वो कितना सही है कितना गलत है। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं उसकी वेबसाइट, नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की जो वेबसाइट है उसको हम आपको खोल के दिखाते हैं कि आखिर ये है क्या। और एक चीज़ और बता देते हैं कि वास्तव में जो नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन है उसका जो काम है वो जो है ब्लाइंड लोगों के लिए जो है मदद करना है, चाहे आर्थिक हो, चाहे कानूनी हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो सहायता होती है वो जो है ब्लाइंड फेडरेशन के माध्यम से की जाती है और ये एक राष्ट्रीय स्तर की जो है संस्था है। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं इसकी वेबसाइट में क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं ये गूगल सर्च से, जो है आपको नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड जो है ऑफ इंडिया जो है ये सर्च करिएगा और एंटर करिएगा तो आपके सामने ये होम पेज जो है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ऑफ इंडिया का जो है खुल के सामने आ जाएगा। और इसमें इसके ठीक नीचे जो अबाउट NFV इंडिया के बारे में दिया है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको वेबसाइट पे भी जाके जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो आपको। तो यहाँ पे जो है इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये फेडरेशन जो है क्या है, कैसे काम करती है, किसके लिए काम करती है, सारी जानकारी यहाँ पे नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन के बारे में जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वेबसाइट थी। और बात कर लेते हैं इसके जो है ब्रांचेस की, तो यहाँ पे देखिए ब्रांचेस की जो है लिस्ट जो है अल्फाबेटिकल जो है दिखाई गई है और इस पूरी लिस्ट को जो है मैंने देख डाला है, लेकिन इसमें जो है बिहार में किसी भी प्रकार की कोई ब्लाइंड फेडरेशन की जो है ब्रांच जो है नहीं दी हुई है। ठीक है, लेकिन जो है जो केस किया गया है बिहार शिक्षक बहाली पर उसमें जो है लिखा आ रहा है कि बिहार ब्लाइंड फेडरेशन। ठीक है, तो उसमें जो मतलब संस्था जो ब्रांच दिखाई जा रही है वो ब्लाइंड फेडरेशन बिहार ब्रांच की जो है दिखाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार से कहीं भी जो है किसी भी बिहार में ब्रांच होने का कोई दावा यहाँ पे वेबसाइट पे नहीं किया गया है, ना ही उसका किसी प्रकार का कोई एड्रेस जो है शो किया गया है। तो अब सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता है, इसके बारे में जो है जवाब देना चाहिए बिहार सरकार को, भी पूछना चाहिए कोर्ट में कि ये जो है जो फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड जो बिहार में जो ब्रांच है वो क्या है। और यहाँ पे देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म जो है यहाँ पे एक जो है डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने एक मेंशन की है फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो है एक केस किया था इन्होंने, प्रसार भारती से संबंधित ये केस है। ठीक है, तो ये जो है एक ब्लाइंड व्यक्ति थे जो कि प्रमोशन के लिए इन्होंने केस किया था रिजर्वेशन के लिए, तो ये प्रसार भारती में जो केस था उसकी जो है डिटेल्स हम आपको अपने आने वाले अगले वीडियो में जो है बता देंगे कि वो केस क्या था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है 2016 में डिसीजन दिया था और ये काफ़ी अच्छा खासा डिसीजन है, कई पॉइंट्स में लिखा गया है और पूरा डिटेल्स इसमें बताया गया है कि ब्लाइंड्स के लिए या जो है हैंडीकैप पर्सन जो हैं दिव्यांग जन है उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी सेंटर में जो है क्या होगी। और ये जो है जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये जो जजमेंट है, इसकी जो कॉपी है बिहार सरकार या शिक्षा विभाग चाहे तो बिहार ब्लाइंड टीचर केस में जो है लगा सकती है और इसके आधार पर भी फैसला जो है ले सकती है। तो मुझे तो लगता है कि जैसे ही ये जो है कॉपी अगर जजमेंट की लगा दी जाए तो कहीं ना कहीं जो बिहार टीचर बहाली में जो ब्लाइंड केस जो चल रहा है वो अपने आप खारिज हो जाएगा। तो आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है बताया गया है कि 3% जो है रिजर्वेशन जो है ब्लाइंड या जो है दिव्यांगजन जो है उनको जो है मिलेगा और उसमें से 1% जो है फिजिकल को देना है जो फिजिकली जो है हैंडीकैप है। तो बिहार राज्य में तो जो है पहले से विज्ञापन में बता दी गया है 4% जो है दिया जा रहा है हैंडीकैप लोगों को। तो पूरी तरीके से जो है नियमों का पालन किया गया बिहार शिक्षक बहाली में और पता नहीं क्यों जो है बिहार ब्लाइंड फेडरेशन ने जो है ये केस किया है, क्या सोच समझ के किया है, उनको क्या चाहिए, या तो वो अभ्यर्थियों को जो है बरगला रहे हैं, यानी कि जो ब्लाइंड अभ्यर्थी हैं जो फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं उनको या तो बेवकूफ़ बना रहे हैं
या तो फिर जो है इस बहाली को स्टे कराने के लिए जानबूझ करके रोकने के लिए केस किया गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने जो है नियमों का पालन नहीं किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि विज्ञापन में पहले से ही मेंशन कर दिया गया था कि जो हैंडीकैप है उनको कितना परसेंट जो है दिया जाएगा। और वैसे भी ये जो बहाली हो रही है 94,000 शिक्षक की, ये बैकलॉग भर्ती है, कोई नई भर्ती तो है नहीं। पिछले चरण की जो काउंसलिंग पूरी हो गई थी उसी के आगे प्रोसेस में जो है इसमें आवेदन लिए गए थे। तो उम्मीद है कि आपको जो है सारा माजरा समझ में आ गया होगा कि बिहार में ब्लाइंड फेडरेशन की कोई ब्रांच नहीं है, जैसा कि इस वेबसाइट पे जो है दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको जानकारी हो, उसका एड्रेस वगैरह मालूम हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और उम्मीद है कि वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इसके आगे जो वीडियो आएगा वो ब्लाइंड फेडरेशन के बारे में बात करेंगे, और इसमें जो है बिहार शिक्षक बहाली पर जो ब्लाइंड फेडरेशन और बिहार ब्रांच ने जो केस किया है उसमें जो है ऑर्डर की कॉपी जो है ऑरल ऑर्डर जो पास हुए हैं, तो 30,000 वाली जो शिक्षक बहाली है उसका और 94,000 शिक्षक बहाली दोनों का जो है ऑर्डर हम आपको शो करेंगे। और उसके आधार पर आप सोचिएगा कि ये जो केस हुआ है ये कहाँ तक जायज़ है, और ये केस जो है पूरी तरीके से खारिज होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई बेस या कोई ग्राउंड नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको भी हम आपको उसमें दिखाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।